नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त लगराज। दोस्तों आप सब ठीक ठाक होंगे, राजी खुशी होंगे, फिट पाट होंगे, भगवान आपको सलामत रखे। दोस्तों आप ये जो सामने देख रहे हैं, ये कुछ केमिकल मैंने मंगवाए थे इफ्को बाज़ार से। तो मैंने इसकी पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो फ्रंट कैमरे से बना दी, जिसके अंदर ये जो भी चीज़ है सब उल्टा दिखाई दे रही थी। तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि फ्रंट कैमरे से बनाई थी। तो ये सबसे पहले तो ये सागर का है, ये ऑर्गेनिक है। और इसके बाद ये देख रहे हैं एक 12X0, ये एक केमिकल है और ये फ्रूट को लाने में सहायता करता है। और ये जो काले वाला थैला प्रोटेक्ट जिसमें लिखा है, इसमें नीम खली आई थी दोस्तों। तो नीम खली तो मैंने डाल दी है सारे पौधों के अंदर खोल के। और ये जो है 12X0 का प्रयोग मैंने 1 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच लेके पौधों के ऊपर छिड़काव करा था। तो पौधों पे छिड़काव करने के लिए बोला जाता है इसको, स्प्रे करने के लिए, तो उसका स्प्रे करा था। लेकिन दिल्ली में काफ़ी बरसातें हो रही है और 12 अगस्त से लेके आज 26 सितंबर हो गया, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। रोज़ बरसात। तो मुश्किल से ये 1.5 महीने में 1-2 बार पानी दिया होगा पौधों को मैंने, नहीं तो पानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे को। बरसात का ही पानी इतना हो जाता है कि वो सूखता ही नहीं है। तो बरसात के पानी में आपके पौधे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन फ्रूट नहीं बनता उसमें। तो फ्रूट हमारा पौधों पे जब ही बनेगा, जब धूप निकलेगी, ह्यूमिडिटी बनेगी, उसके बाद फ्रूट हमारे पौधों पे बनता है। अगर कंटिन्यू बरसात होती रहती है तो हमारे पौधे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन उस पर फूल और फल बनने की संभावना ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर भी हमने इसका एक स्प्रे कर दिया था 10 दिन पहले, और जो 10 दिन पहले स्प्रे करा था उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। तो वैसे तो इन्होंने कह रखा कि स्प्रे करने के 24 घंटे के अंदर कोई भी बरसात नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैंने जब स्प्रे करा था तो 4 घंटे के बाद ही बरसात शुरू हो गई थी। तो जो है केमिकल का जो असर है, सिर्फ मुश्किल से 5% भी नहीं गया होगा इन पौधों के ऊपर, लेकिन फिर भी इनका जो रिज़ल्ट है मेरे को काफ़ी अच्छा मिला है। और मेरे को दोस्तों के फ़ोन भी आए थे कईयों के इसके बारे में, लेने के बारे में, तो मैंने उनको मना करा के अभी मत लेना इसको। तो ये सागर का प्योर ऑर्गेनिक है, सीवीड है इसके अंदर, और सीवीड को वो सब जानते हैं, ये पौधों की जड़ों को मजबूत करता है, पौधों को बढ़ाता है। और इसमें पोटाशियम ज़्यादा होता है, ये फ्रूट बनाने के काम में आता है, फूल और फल लेके आता है। और नीम खली तो आपको पता है, ये हमारे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसके अंदर मिट्टी में जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उसको ख़त्म करने का काम करती है। तो तीनों चीज़ों को ये बारे में आप अच्छी तरह जान गए होंगे। तो दोस्तों जो रिज़ल्ट इसका आया, उसका रिज़ल्ट मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये एप्पल बेर के पौधे के ऊपर ही ले चलूँ। तो एप्पल बेर के पौधे के ऊपर ये देखो दोस्तों, जिस पे फ्लावर नहीं आ रहे थे, ये 10 दिन के छिड़काव के बाद ही, 10 दिन पहले जो छिड़काव करा था एक ही छिड़काव में इस पे फूल आने शुरू हो गए हैं। तो
ये नींबू का पौधा है, इसके ऊपर अभी नहीं आए, लेकिन इधर एक नींबू का पौधा है, उसके ऊपर एक फूल जरूर आ गया। ये आप देख रहे होंगे सफ़ेद सफ़ेद सा, दोस्तों ये एक फूल जरूर निकल आया इसमें। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे सूरज निकलेगा इनको ह्यूमिडिटी लगेगी तो ये अच्छे वो देंगे, फल फ्रूट आने शुरू हो जाएंगे उनके ऊपर। और इधर चलते हैं दोस्तों, ये अमरूद का छोटा सा पौधा है और 6 इंच के पॉट के अंदर लगा हुआ, और 6 इंच के पॉट के अंदर अगर मैं दिखाऊं तो ये दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फूल दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको बड़ा करके दिखा दूँ। तो ये दोस्तों ये 6 इंच के पौधे में का ऊंचाई भी इसकी 6-7 इंच होगी पौधे की, और ये जो शाखा है मुश्किल से दोस्तों 3 इंच की भी नहीं है, और इसके ऊपर इस तरह फूल आना शुरू हो गया। और ये भी छोटा सा ये हमारा पिंक अमरूद का पौधा है, और इसके पे ऊपर भी अच्छी बडिंग चल रही है, और इस पर भी बहुत जल्दी फूल आ जाएंगे। और ये भी छोटा सा गमला मेरा 6 इंच का गमला है, वैसे इसको देखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन बड़ा छोटा सा पौधा है, और मुश्किल से ये 8 या 9 इंच हाइट होगी इस पौधे की, और अच्छी मतलब बढ़ने लग रहा है और जल्दी इस पे फूल आ जाएंगे। दोस्तों इधर की बात करें तो ये पीछे अमरूद का पौधा है, काफ़ी रोज से इस पे पौधा तो बढ़ रहा था, फूल नहीं आ रहे थे, लेकिन एक छिड़काव जब हमने इस पे स्प्रे करा तो एक स्प्रे के बाद इसके ऊपर भी फूल आने शुरू हो गए। ये बड़े बीच में पेड़ पौधे लग रहे हैं, गमले लग रहे हैं, तो वहाँ तक ये मेरा जाना भी मुश्किल है, तो बड़ी मुश्किल से हाथ लंबा करके वीडियो बनाता हूँ मैं। ये फूल देख रहे होंगे इसके एप्पल बेर के ऊपर अच्छी मात्रा में मैं फूल आने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों इसका मैं एक बार कर चुका हूँ, इसका स्प्रे कर चुका हूँ, इसको यूज कर चुका हूँ, और जो भी मेरा दोस्त भाई बहन अगर इसको लेना चाहे तो इसको बाज़ार से ख़रीद सकता है बिना किसी डर के। और तीनों ही ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं। एक प्रोडक्ट और है उसको अभी मैंने यूज़ ही नहीं करा, और वो किसी मतलब का भी नहीं है, किसानों के मतलब का आ गया, और वो मिट्टी के अंदर ही प्रयोग होता है, और मिट्टी में डाल के मिट्टी का खेत में डलता है, तो गलती से आ गया मेरे से, तो उसका भी देखेंगे कभी जरूरत पड़ी तो आने वाले टाइम में। तो ये जो 3 चीज़ें हैं आपको बिना डर के इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पेड़ पौधों के ऊपर, इससे आपके पेड़ पौधों की जो बढ़ेंगे फल है जल्दी आ जाएंगे दोस्तों। वैसे तो कोई ऐसा केमिकल नहीं बना, और ना ही कोई केमिकल बनाने वाला लिखता कि इसको डालने से फूल आ जाएंगे फल आ जाएंगे, सब यही लिखते कि इसकी ग्रोथ हो जाएगी, पौधों के जड़ों को मजबूती देता है। क्योंकि अगर ये लिखना शुरू कर दे कि फूल आ जाएंगे, तो अगर किसी के फूल ना आए तो कल को उस पर क्लेम भी कर सकता है उस कंपनी पे, तो इसलिए कंपनी वाले कभी नहीं लिखते कि इसको डालने से फूल आ जाएंगे। और मैंने भी काफ़ी लोगों से पूछा, मालियों से पूछा, नर्सरी वालों से पूछा, डीदार नर्सरी से भी फ़ोन करा, उनसे भी मतलब मैंने पूछा कि मतलब क्या लेके इसमें ऐसी कौन सी चीज़ डाले जिस पे फ्रूट आ जाए, तो उन्होंने भी यही कहा कि फास्फोरस डालो, तो ये फास्फोरस पोटाशियम इसमें ज़्यादा है, फास्फोरस ये लिखा ही होगा, देखो फास्फोरस
फास्ट फूड, तो सब ने यही कहा कि फास्ट फूड डालो उस पर। तो ये फास्ट फूड डालने से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने लग रहा है दोस्तों। तो इसी के साथ ही आपसे विदा लेना चाहूँगा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।